रेजिडेंट के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। रेजिडेंट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक बार फिर वार्ता। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में शुरू हुई है ये वार्ता। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय अतिरिक्त निदेशक प्रशासन गौरव चतुर्वेदी, चिकित्सा शिक्षा के अन्य अधिकारी बैठक में शामिल हैं। जाड़ के प्रतिनिधि को दिए गए हैं प्रस्ताव, तो वहीं मांगों पर चर्चा की जा रही है। तो मांगों पर चर्चा लगातार जारी है और ऐसे में अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जो वार्ता का दौर यहाँ पर शुरू हुआ है, इसका कोई बेहतर परिणाम निकल कर सामने आए, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से एक और तो चिकित्सा सेवाएं पूरी तरीके से चरमरा गई है, तो वहीं दूसरी ओर अब यहां पर वार्ता का दौर शुरू हुआ है। उम्मीद यही की जा रही है कि इस वार्ता के कोई सुखद परिणाम निकलकर सामने आएंगे और जो बातचीत की कोशिश हुई है, समझाइश की जो कोशिश हुई है, अब इसके बाद किस तरीके के परिणाम निकलकर सामने आएंगे, देखने वाली बात रहेगी कि कितना इम्पैक्ट इस वार्ता का रहेगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, पूर्ण कार्य बहिष्कार पर वो उतर आए हैं। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, तो वहीं आपसे ये भी अपडेट चाहेंगे कि जो अभी बातचीत का दौर यहाँ पर शुरू हुआ है, इसके किस तरीके के परिणाम निकल कर सामने आ सकते हैं। देखिए आयुषी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि रेजिडेंट्स की जो वार्ता हुई है, उस वार्ता के अंदर रेजिडेंट्स में दो धड़े बट गए हैं, आमने सामने हो गए दो धड़े, और दोनों धड़ों के बीच में आमने सामने होने की स्थिति में अभी जो सहमति बनती नजर आनी है, क्योंकि शुरुआत जो हुई है बैठक के अंदर, उस बैठक के साथ ही रेजिडेंट्स के जो पूरा मामला था वो दो धड़ों के अंदर बट गया है। एक तरफ जहां पर फ्रेशर्स कैंडिडेट है जिन्होंने पीजी में फ्रेशर सीट उठाई थी, वहीं दूसरी ओर जो इन सर्विस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इन सर्विस कैटेगरी में सीट उठाई थी, उन दोनों जो पक्ष हैं उनकी तरफ से अलग अलग अपने मत है इस बात को लेकर के, अपने जो हित हैं जिनसे कि उनके आगे की पढ़ाई, आगे का बॉन्ड, आगे की जो इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे, इसको लेकर के ये पूरा मामला जो है तत्काल सामने आया। इसी नए विवाद को लेकर के खुद जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं गौरव चतुर्वेदी हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक चल रही है, वो खुद इस बात को लेकर के अचंभित रह गए कि ये कई नई चीज़ सामने कौन सी निकल के आ गई, जिसमें कि इन सर्विस कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उन दोनों के बीच में मतभेद सामने आया। जो मतभेद है वो इस बात को लेकर के है कि जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं उन्होंने कल जो बातचीत हुई थी उसमें एक फार्मूला निकल के सामने आया था कि जो SRSIP की जो पोस्ट है, उस SRSIP की पोस्ट को तीन भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक तरफ जहाँ 40% फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, 40% सेवारत कैंडिडेट के लिए और 20% जो पुराने बैच के कैंडिडेट हैं उनके लिए रखा जाएगा। ऐसे करके पूरी SR की जो सीटें हैं उनको ऐसे विभाजित करने की बात सामने आई थी। उसके साथ में जो 5 से 6 महीने का टाइम जो फ्रेशर्स कैंडिडेट को पोस्टिंग के लिए में डिले हुआ है, उनकी जो समय अवधि है वो उनके 2 साल के जो बाउंड की जो पीरियड है, सेवाकाल का पीरियड है, उसमें से खत्म करने की बात सामने आई थी। इसके साथ में जो और अलग अलग मांगे थी उनको लेकर भी सहमति लगभग बनती। बॉन्ड की जो राशि है उसको भी कम करने पर सरकार लगभग सहमत थी इस बात को लेकर कि जो कुछ भी हो लेकिन ये पीच का रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन इस बीच में नई बात ये सामने आई कि सेवारत चिकित्सक जो हैं जिन्होंने पीजी की सीटें उठाई थी 10-20-30 का फायदा लेकर के, उन्होंने अपनी मांग रखी कि जो बॉन्ड हमसे बनाया गया है उस बॉन्ड को भी समाप्त किया जाए और साथ में जो उनकी SR की जो पोस्ट है उसको भी बढ़ाया जाए। इस बात को लेकर के दोनों पक्षों के बीच में विरोध जो है वो सामने आया। इसी बात को लेकर के अभी मीटिंग जो है वो जारी है। हम आपको अपडेट करते हैं, जो मीटिंग है उसके विजुअल में आपको दिखाते हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा ग्रीस को कि वो दिखाएंगे कि ये जो चिकित्सा शिक्षा निदेशालय है वहाँ पर ये बैठक चल रही है और इस बैठक का जो ये हॉल है, इस हॉल के अंदर बैठक शुरू हुई है। आप देख सकते हैं कि ये जो बैठक है, इस बैठक के अंदर आप देख सकते हैं कैसे विजुअल जो अंदर रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो बैठक में मौजूद हैं और वहाँ से ये सभी लोग जो हैं अभी दोनों पक्ष, क्योंकि अभी तक एक पक्ष था जिसके बेस पर पूरी वार्ता कल रात को हुई थी और उसके अंदर जो रेजिडेंट हैं उन्होंने सहमति नहीं बनी और वार्ता छोड़ के चले गए थे। उसके बाद में फर्स्ट इंडिया ने मध्यस्थता की और साथ में ये बात भी कही कि जो वार्ता में जो सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से दिखाया गया है, उसके बाद में रेजिडेंट्स को भी कुछ इस पूरे मामले में पॉजिटिव रुख दिखाना चाहिए था लेकिन वो नहीं दिखा पाए। उसके बाद में जाड़ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी हमारी संवाद जो है वो बीच में बनाया गया और उन्होंने भी कहा कि हम हर मोर्चे पर जो सकारात्मक रुख दिखाया जा रहा है उसके हर मोर्चे पर हम भी सकारात्मक रुख दिखाएंगे। उसके बाद में आज एक बार फिर से दोबारा से मंच बैठा, दोबारा से बातचीत शुरू हुई है और उस बातचीत के अंदर जैसे
जैसे ही कुछ पक्ष थे जिनको लेकर के कोई पॉजिटिव रुख आता है, उससे पहले ही कि एक नई चीज़ सामने आई है कि जो इन सर्विस कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीजी की 10-20-30 का फायदा उठा के सीटें ली थी, वो लोग अपनी अलग मांग लेकर आए हैं, उसको लेकर विवाद सामने आया। और उसके बाद में अब दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद में इस पूरे मामले को उच्च स्तर पर भेजा जाएगा और उसके बाद में कुछ रास्ता निकालने की बात जो है सामने आई है। लेकिन अभी की स्थिति यही है कि अभी विकास, अगर देखिए साधारण भाषा में अगर समझा जाए या फिर आम लोगों की सहूलियत की हम बात करें, तो ऐसे में फिलहाल पेच कहां पर फंसा हुआ है, क्यों ये मुद्दा सुलझ नहीं पा रहा है, क्यों वार्ताओं के दौर विफल हो रहे हैं? देखिए आयुषी, इस पूरे मामले में टेक्निकल पेज है और वो पेज इस बात को लेकर के इस टेक्निकल पेज को समझने के लिए हमको पहले वो चीज़ समझनी पड़ेगी जो कि इनकी शुरुआत में हुई। तो जब पीजी के लिए जब कोई भी स्टूडेंट एमबीबीएस करके पीजी के लिए आवेदन करता है तो उसमें राजस्थान के लिहाज से दो कैटेगरी बनती है। एक तो वो कैटेगरी जिसमें कि 50% सीटें रिजर्व की जाती है सेंट्रल काउंसिलिंग के जरिए, और जो 50% की सीटें होती है उसके अंदर जो राजस्थान की सीटें होती है उसके अंदर फ्रेशर्स कैंडिडेट को भी अलॉट की जाती है सीटें, साथ में जो राजस्थान में जो चिकित्सक जो सेवाएँ दे रहे हैं उनको बोनस अंक दिए जाते हैं ताकि वो सरकारी सेवा के प्रति उनका रुझान बढ़ाने के लिए बोनस अंक दिए जाते हैं। और बोनस अंक इस तरह से दिए जाते हैं कि किसी चिकित्सक ने अगर एक साल सर्विस की तो उसको 10%, दो साल सर्विस की तो 20%, तीन साल सर्विस की तो 30% अधिकतम अंक दे करके उनको बोनस अंक दिए जाते हैं। ऐसे में जो 50% की सीटें हैं उनमें से तकरीबन 40-45% सीटें जो हैं इन सर्विस कैटेगरी के लिए मानी जाती है। तो कुल मिला की बात करें तो ये जो धड़ा है आपस में बिल्कुल बराबर दोनों सीटें हैं उनको लेकर के बढ़ गया है। इसी बात को लेकर विवाद है कि जो पीजी की सीटें हैं और पीजी के अंदर जिस एंट्रेंस लिया गया था उस वक्त जो इनको वेटेज दिया गया था 10-20-30 का, तो ऐसे में उनका बॉन्ड जो है वो भी समाप्त किया जाए, इस बात को लेकर मांग है। अभी रेजिडेंट्स की तरफ से जो इन सर्विस कैटेगरी के रेजिडेंट्स हैं उनका जो पूरी मांगे हैं वो अभी तक निकल सामने नहीं आई है, लेकिन अभी एक बड़ा पेच फंस गया है इस पूरे आंदोलन को लेकर के, क्योंकि दो धड़े बढ़ गए हैं रेजिडेंट्स के आंदोलन को लेकर के। जी बिल्कुल, और इस वक्त जो प्रशासन की पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जो स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई है उनको लेकर के कोई अहम फैसला लिया जाए ताकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात भी रह जाए, तो वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, क्योंकि हमने देखा विकास कल भी कितनी बड़ी संख्या में ऑपरेशन टल गए थे, तो वहीं जो आम मरीज है उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। हेलो, बिल्कुल विकास, अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए विकास से फिर से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो वहीं ये बड़ा अपडेट आपको दे दें कि यहाँ पर जो लगातार काले बहिष्कार जारी था रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से, तो इसी बीच में अब एक बार फिर से वार्ता का दौर शुरू हुआ है। तो वहीं अपने हितों को लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स में दो फाड़ की खबर भी सामने आ रही है। रेजिडेंट के आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, रेजिडेंट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा विभाग की एक बार फिर वार्ता शुरू हुई है। ये तस्वीरें भी जरा आप देखिए, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय में रेजिडेंट प्रतिनिधियों के साथ ये वार्ता शुरू हुई है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि इस वार्ता के कुछ सुखद परिणाम निकलकर सामने आएंगे और ये वार्ता सफल रहे। चिकित्सा शिक्षा निदेशालय अतिरिक्त निदेशक प्रशासन गौरव चतुर्वेदी समेत अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। जाड के प्रतिनिधि को दिए गए प्रस्ताव और अन्य मांगों को लेकर चर्चा की जा रही है।